Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys Sunny and you are watching Sun Nonstop. So guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो ओमेगल पे जो है वो काफी टाइम से वीडियो नहीं थी आ रही, तो फिर लोग सजेस्ट करते रहते हैं कि अद्रेशिया की जो है वो नई ओमेगल वीडियो आ गई, तो आप तो उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो क्यों नहीं बनाया, मैंने कहा व्हाई नॉट यार बना देते हैं। माय वाइफ फ्रॉम पाकिस्तान बट शी लव दूरव राठी फाउंड लव ऑन ओमेगल। दोबारा से पाकिस्तानी लड़की इनको मिल चुकी है ओमेगल पर, और मुझे पता है कि पाकिस्तानी लड़की को ये मतलब फिर रोस्ट ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बट वो आगे से लड़की कहती मैं दूरव राठी को पसंद करती हूँ, तो सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी कभी किसी पाकिस्तानी लड़का या लड़की से प्यार हुआ है, तो जरूर बताइएगा कि आपको पाकिस्तानी लड़के लड़कियां कैसे लगते हैं। तो चलिए गाइस क्या है कि बाकी बातें साथ साथ वीडियो के लास्ट में होंगी, तो स्टार्ट करते हैं। सीधा बाउंस लगाएंगे हिंदुस्तान, ध्रुव राठी आटा ले लो, आटा ले लो, कश्मीर हमारा है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। हाय हाय प्रणिपात, हाय हाय, आप कहाँ से हैं? आप इंडिया से हैं क्या? यस आई एम फ्रॉम इंडिया। एंड मैं गेस करूँ कि आप किधर से हो? मैं बिना आपसे पूछे बता सकता हूँ कि आप कौन से कंट्री से हो? जी बताइए। आप एक हाथ ऐसे करो, एक हाथ ऐसे, मुझे लड़का लग रहा है। इस हाथ का एक उंगली, कोई सी भी एक उंगली ऊपर कर लो। पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको कैसे मालूम हुआ? क्योंकि भिखारी ऐसे भीख मांग। क्यों किया तुमने ऐसा लड़की? आप चुप रहिए, आपको मालूम भी है इंडिया में कितना अनहाइजीनिक फूड होता है। At least we have something to eat. चाइना से फंडिंग नहीं लेनी पड़ती हमें। आज तो ईद है ना? जी। मेरी ईदी कहाँ है? ईदी दुबई। आप आइए, आपको ईदी जरूर मिलेगी। आपको लगता है मैं पाकिस्तान आ सकता हूँ? तो जान से ख्वाहिश हो तो क्यों नहीं आ सकते? मैं तो आ सकता हूँ, लेकिन बम से डर लगता है मेरे को यार। आप लोग कहीं भी बम फोड़ देते हो ना। भाई दीप आपका नाम क्या है? नूर। आपको देख के मेरे चेहरे पे भी नूर आ रही है। आप हिंदुस्तान कब आ रहे हो? जिस तरीके से आपको डर लगता है हमारे मुल्क में आने से, उसी तरीके से हमें भी डर लगता है आपके मुल्क में आने से। अब्बू से सब डरते हैं। हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। तो बेगम आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। दिखाइए। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। बेटा आपने ऐसा कभी गिफ्ट देखा ही नहीं होगा जिंदगी में। बेगम आजा बेटे, गिफ्ट दे दो इनको। कश्मीर तो नहीं है बट आटा जरूर मिल सकता है। खाने में जरूर आना बट बम मत लेके आना। आटा रख दे बेगम को खिला दूंगा। तौबा, के मुल्क के तो बच्चे भी बहुत ही खतरनाक हैं। इधर के बच्चे बहुत समझदार होते हैं क्योंकि भाई हम इनको बम बनाने की ट्रेनिंग नहीं देते ना। सो बेगम 9 जून कैसा गया आपका? इंशाल्लाह हम ही जीतते। बारिश भी आ जाती तब भी नहीं जीत पाते। ये थोड़ा पर्सनल हो गया। यही होगा कि आप 9 जून के बारे में, मैच के बारे में ना ही बात। रोना आ गया। ओह बेगम ये लो, ऐसे पोज़ लो। पाकिस्तान आके पोज़ दो। पोछने के चक्कर में पाकिस्तान में पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी मेरे वजह से। तू समझा नहीं? तू समझा नहीं? तो कब बुला रहे हो मुझे पाकिस्तान? जब चाहे तब आ जाइए। तारों के नीचे से आऊं या वो पासपोर्ट के साथ? पासपोर्ट के साथ आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप मेरे को बचा नहीं लोगे अगर मैं तारों के नीचे से आऊंगा तो? पैसा कम लगेगा ना? जी नहीं, मेरे अब्बू फौज में नहीं है। फिर आपके अब्बू क्या करते? मेरे अब्बू का अपना बिजनेस। कश्मीर में बम एक्सपोर्ट करते हो? पाकिस्तान में सिर्फ बम ही नजर आते हैं, और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मेरे को एक और चीज नजर आता है। जी? अंधेरा, मतलब फ्यूचर खतरे में ना उसका। आपको पता है कि पाकिस्तानी सैटेलाइट और पाकिस्तानी जीडीपी में क्या कॉमन चीज है? क्या? दोनों ऊपर जाते गिर जाते हैं। आप कभी इंडिया आए हो? नहीं। कब आओगे? आना भी नहीं चाहते। नहीं ऐसे तो हम भी भिखारी को नहीं बुलाते। रुको रुको रुको, आप लोग रोज मुझसे पूछते हो ना कि मैं अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करता हूँ, तो चलो आज आप लोगों के साथ ये सीक्रेट शेयर करता हूँ। ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है आर्यन एविटर सॉफ्टवेयर की वजह से। ये सॉफ्टवेयर क्या गेम चेंजर है भाई। तो चलो अब आपको सीधा दिखाता हूँ। तो भाई ये है 6 राउंड की भविष्यवाणी। तो चलो मैं 1500 से स्टार्ट करता हूँ, और बता रहा है कि ये 4.72 पे रुकेगा। नाउ वेट,
यस ये देखो ये रहे एंड कॉफी सेंटर भी वही है जैसे प्रेडिक्ट किया था और मैंने 6,750 रुपए जीत लिए। वाओ मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। मैंने एक हायर ओट्स का इंतजार किया और इस बार ओट्स बता रहे कि 8.47 पे रुकेगा, तो इस बार अपन जाएंगे 6,500 के साथ। तो चलो देखते हैं क्या होता है। यस देखो मैं फिर से जीत गया भाई, प्लेन 8.47 पे परफेक्टली लैंड कर गया। क्या बात है यार। तो देखा आपने मैंने कुछ ही देर में अपना पैसा निकाल लिया और स्टार्ट मैंने 1500 किया था और अब मैं 44,000 पे पहुंच गया। तो दोस्तों अगर आपको भी बदलनी है अपनी किस्मत और चाहिए या सॉफ्टवेयर तो बस इस स्टेप को फॉलो करो। आर्यन के चैनल पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद गेट सॉफ्टवेयर बटन पर क्लिक करें एंड एंटर द बॉट एंड देन आप अकाउंट बना लेना बॉट के इंस्ट्रक्शन के साथ। उसके बाद आप अपने अकाउंट में 1000 रुपए डिपॉजिट करें जिससे आप खेल पाओगे और ये आपके लिए ही है। इसके बाद बॉट आपको आर्यन के वीआईपी चैट पर ले जाएगा और सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई, सब शर्तों को फॉलो करो। चलो अब मिलते हैं आर्यन के टेलीग्राम चैनल पे। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव साइड बताओ बेगम। पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री भाई क्या बढ़िया बढ़िया एक्ट्रेस, क्या कितने बढ़िया बढ़िया गाने निकालते हैं। बद्धोपति बद्धोपति वही गाना आपके इंडिया में ट्रेंड कर रहा है शायद। हमने ना आप लोगों के लिए बेहतर सोचा कि यार देखो उन लोगों ने गाना बनाया होगा, रोटी मिल नहीं रही तो कोई नहीं गाना चला देते, 2-3 टाइम की रोटी तो आ ही जाएगी। ज्यादा उड़ो मत वरना मैं इंडिया आके आपका गर्दन पकड़ लूं। पहले अपने क्रिकेट टीम को बोलो ढंग से बॉल पकड़ ले। हाँ बिल्कुल मैं भी पकड़ना चाहता हूँ आपको। चाहिए फिर क्रिकेट ग्राउंड में? नहीं नहीं उस बॉल को नहीं, इसको पकड़ना चाहता हूँ आपको। वो तो इस जन्म में मुमकिन नहीं है। इस जन्म में क्या कजन के पास जाओगे? भाई दीपक मेरे पास एक पिकअप लाइन है। आर यू पाकिस्तान बाय एनी चांस? व्हाई? क्योंकि मैं आप पे कब्जा करना चाहता हूँ। अखंड भारत। बेकार क्या यार बेगम, वो देखो जब अपन दोनों का मिलन होगा, इंडिया और पाकिस्तान मिलेंगे, प्यार का वो हो जाएगा, मैसेज जाएगा, अपन आएंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे 2-3। मैं तौबा नाम नहीं रखूंगा, मैं नाम रखूंगा करिश्मा। मैच का बदला देखिएगा, सीधा लगाएंगे हिंदुस्तान पे। अच्छा वो तो चलो आप लोगों का धंधा है बॉम्ब बॉम्ब लगाने का, लेकिन इस देश में ना सब बजरंगी के भक्त है। देख लो किस दिन पाकिस्तान को लंका ना बना दे कोई। ध्रुव राठी पाकिस्तान में उनकी विनोद को बहुत प्यार मिलता है, उनको हम पाकिस्तान में भेजने वाले हैं। बॉम्ब बनाना दो। सिखा देना फिर तो ऐसा लगे कम्प्लीट। ऐसे में बताओ कि दुनिया का ऐसा कौन सा जानवर है उस पे एनिमल अब्यूज नहीं लगेगा? कौन सा जानवर? जर्मन शेफर्ड। ध्रुव को बोला इसने, यानी आपके ध्रुव राठी। क्या बेगम हम लड़ रहे हैं यार, मोहब्बत की बात बात करते हैं। आपको बच्चे पसंद है? तो पा मुझे तो बच्चे गलती लगते हैं। सेम चीज भारत को भी लगता है पाकिस्तान के लिए। अभी आप ही रोस्ट करे जा रहे हैं, हम तो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं आपसे। मैं आपको रोस्ट करूं? हाँ यू कैन। आटा ले लो, आटा ले लो बेगम। आटा ले तो लूं लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में बच्चे का क्या? आप जरूर ले सकते हो आटा। अगर हमारे बच्चे होंगे तो हमारे बच्चों का नाम क्या रखना चाहिए? हमारे बच्चे कभी नहीं होंगे। क्यों? आप लेस्बियन हो? कभी खुद का भारत देखा है आप लोगों ने? आज तक कुछ अच्छा बना है वहाँ? आई एम टोटली एग्री विद यू बेगम, कुछ का पता नहीं लेकिन एक चीज तो अच्छा नहीं बना बिल्कुल जी। पाकिस्तान मतलब गलती से बन गया था ना। एक बात करना चाहूंगा, आप लोग चांद पे तो नहीं गए हो लेकिन इतने ये चमक रही ना, ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर पे ही चांद है। अच्छा तो क्या है ही चांद? तो क्या मैं आप पे लैंड कर जाऊँ? ज्यादा फ्रैंक ना होने की कोशिश कीजिए। फ्रैंक की स्पेलिंग सुनाना। FRANK। के मतलब पता क्या होता है? क्या होता है? कंगाल, वो है पाकिस्तान। पानी पी लो यार। उधर की जो टीवी सीरियल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मजाक छोड़ो, क्योंकि यहाँ के कलाकार बहुत अच्छे हैं। तो अगर पाकिस्तान में कोई रियल मूवी बनती है तो उनका टाइटल क्या होता? क्या होता? आटा ना मिलने की वजह से हुई मौत। आपको अगर भारत पे कोई रियल मूवी बनती तो उसका टाइटल क्या होता? बाप ने बेटे को मारा। जी नहीं। फिर इतने लोग के आटा कम पड़ने से हुई आधे मुल्क की मौत। लेकिन हम दोनों भी अच्छी मूवी बना सकते हैं। और वो क्या? पाकिस्तानी बेगम को ले गया कश्मीर और खिलाया अपने हाथों से खीर। वहाँ से चलाया मैंने तीर और पाकिस्तान हो गया फकीर। मैच्योर पाकिस्तानी हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कश्मीर हमारा है। गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपका है भी नहीं।
और वो हमारा होगा जरूर। क्या कश्मीर? जी। आटा ला नहीं पा रहे कश्मीर, तब मिल जाएगा। और आपको ऐसा किसने कहा कि हम यहाँ आटा नहीं ला? आइए देखिए डेवलपमेंट हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के नाम से तो डेवलपमेंट भी सर बाज आए। प्लीज तो कब आ रहे हैं आप पाकिस्तान? जल्दी जल्दी 2000 कमेंट्स कंप्लीट कर दो और नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आगे का खास ऑफर आप लोगों को भी अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और फिर वापस से अदृश्या जो है वो पाकिस्तान की लड़की को जो है वो मेकल पे ले आते हैं और फिर उसके साथ बैठ के बात करते हैं और फिर पाकिस्तान को रोस्ट करते हैं। हाँ ठीक है हमारे यहाँ आटे की कभी, हाँ ठीक है हमारे यहाँ जो है चीजें महंगी, हाँ ठीक है यहाँ पे बिजली भी नहीं आती, हाँ ठीक है हमारी पाकिस्तानी टीम भी जो है वो एकदम फट्टू है, कुछ नहीं उनको आता, हाँ ठीक है सब कुछ ठीक है। यार आप लोग वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।